भोपाल की आईईएस यूनिवर्सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 का आयोजन किया। दो दिन चलने वाले इस आयोजन में देश के कई राज्यों के इंजीनियरिंग के छात्रों ने हिस्सा लिया। किस तरह से युवाओं को न्यू स्टार्टअप के जरिए नए इनोवेशन पर काम करना है, इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीब 36 घंटों से युवा इंजीनियर अलग अलग एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। शुरुआती सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन युवा इंजीनियर्स को संबोधित किया। ऑफ कोविड बहुत हम सब ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए हैं। एंड अभी जैसे हम एक कक्षा में पढ़ाते थे तो तभी जो शिक्षक है उसको समझना ईजी होता था कि इस बच्चों को कितना समझा है और कितना नहीं। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सोल्यूशन लाया है, जिधर जब एक टीचर अपना ऑनलाइन वे में कोई लेक्चर डिलीवर करती है तो वो रिकॉर्डिंग अगर वो हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करे तो उसमें से ऑटोमेटिक क्वेश्चंस जनरेट हो जाएंगे और उसका एक टेस्ट बन के वो जिन बच्चों को पढ़ा रही है उनको वो सेंड हो जाएगा। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के नाम से 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पज़ है कि बच्चों के अंदर जो इनोवेशन की भावना है, कैसे वो इनोवेशन करके स्टार्टअप या कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते, उसको इनकरेज करने के लिए किया था। कल से ही ऑलमोस्ट दे विल डू 36 आवर्स का जो है लगातार कोडिंग कर रहे हैं।